हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आवर टुडेज टॉपिक इज पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। एक्चुअली द टॉपिक इज़ वेरी इजी, बट समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट डिफिकल्टी टू सॉल्व द क्वेश्चंस। इसमें आपको एक छोटी सी चीज़ करनी है कि जो फॉर्मूला इस चैप्टर में गिवन है उनको आप ढंग से समझिए और उन पर प्रैक्टिस कीजिए। द ओनली थिंग यू नीड टू स्कोर गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज टू डू प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस रेगुलर करनी है, चाहे कैसे भी हो आपको उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, डेली आप 1 आवर या 2 आवर या 3 आवर जितने भी देर स्टडी कर सकते हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो मैथ्स को रेगुलर बेसिस पर पढ़ना है, तभी ये समझ में आएगी, अदरवाइज़ रीडिंग लगाने से ये आपके समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए, तो सब्जेक्ट आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। एंड बिलीव मी, ये सबसे इजी सब्जेक्ट है स्कोरिंग के लिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्कल मस्ट बी क्लियर टू यू। सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। कौन से क्वेश्चन में पेरीमीटर फाइंड करनी है, कौन से क्वेश्चन में एरिया फाइंड करना है, मीन्स विच क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू पेरीमीटर, विच आर रिलेटेड टू एरिया, इट मस्ट बी क्लियर टू यू। ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तभी आपका आंसर राइट आएगा। सपोज एरिया का फॉर्मूला है और आपने सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, बिकॉज समटाइम्स क्वेश्चन में ये डायरेक्ट गिवन नहीं होता है कि आपको सर्कमफेरेंस फाइंड करनी है या एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछा जाता है कि उसमें आप अगर क्वेश्चन को केयरफुली नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपको कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी है। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ अच्छे से समझाऊंगा। ट्राई टू लर्न एंड बी सिंसियर। ओके, देखिए यहाँ आपके सामने एक सर्कल का डायग्राम है। ठीक है, बेसिकली सर्कल क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, मैं एक सर्कल का डायग्राम ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। देखिए, इस तरह की कोई भी शेप होती है आप उसको एक सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो सर्कल क्या है एक्चुअली, इट इज़ अ पॉलीगन ऑफ इनफाइनाइट साइड्स। अब ये थोड़ी एडवांस लेवल की बात हो जाती है, बाकी 6, 7 और 8 ग्रेड के लिए हमें पढ़ते हैं कि सर्कल इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन हुज डिस्टेंस आर कॉन्स्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। वो जो फिक्स पॉइंट होता है वो सेंटर होता है। तो ये जो डेफिनेशन अभी मैंने कही है, इसका मीनिंग ये है कि ये जो आप रेड डॉट देख रहे हैं सेंटर में, ये सर्कल का सेंटर है और जितने भी पॉइंट्स इसकी बाउंड्री पे हैं, ये जो बाउंड्री में ड्रॉ कर रहा हूँ, इस बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस सेंटर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड रेडियस। सो ऑल दिस डिस्टेंसेज आर इक्वल विच आई एम ड्रॉइंग ऑन द स्क्रीन, ये सारी रेडियस है। ओके, ये सारी इक्वल होंगी। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड रेडियस है, डायमीटर है, ये जो टर्म्स हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कोर्ड है, सेक्टर है, सेगमेंट है, वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अच्छा इस शेप में आप क्या देख रहे हैं, एक सेमी सर्कल है। ओके, तो यहाँ इस सेमी सर्कल में व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर, कैन यू सी, ये जो फिगर है ये क्लोज्ड फिगर है, ओपन फिगर नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेमी सर्कल। एक सर्कल को अगर हम सेंटर से कट करें डायमीटर के अलावा, तो हमें जो फिगर मिलता है वो सेमी सर्कल होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ कंप्लीट सर्कल, और अगर मैं इसको इस तरह से कट कर दूँ डायमीटर के अलावा, तो ये दो सेमी सर्कल में डिवाइड हो गया है। ठीक है, अब सेमी सर्कल कुछ ऐसा भी हो सकता है इस तरह का, ठीक है, और कुछ इस तरह का भी हो सकता है। तो सेकंड वाली जो शेप है जो मैंने ड्रॉ की है वो एक क्लोज्ड फिगर है, और यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपको बहुत ध्यान रखना होगा। तो इसे पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ लेंगे, ठीक है, लिसन सी केयरफुली। ये जो बाउंड्री है, ये जिसमें हमने रेड मार्क किया है, इस बाउंड्री की लेंथ फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ में लेंगे,
2 pi r upon 2. Why I have written this? ऐसा मैंने क्यों लिखा? देखिए स्टूडेंट्स, पूरा जो सर्कल होता है उसकी सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होती है एज यू नो, और जब हाफ सर्कल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी हैव टू डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसके बाद में ये जो नीचे का सेगमेंट है जिसको हम डायमीटर कहते हैं, अगर हम पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे डी को भी ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है ये इस शेप का डायमीटर है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है, यू कैन कट टू एंड फाइनली यू गेट द फॉर्मूला दैट इज पाई आर प्लस डी। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आर एंड डी एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी सम सिंपल क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज, थ्री ऑप्शंस आर गिवन। फॉर ऑल दीज ऑप्शंस यू हैव टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस। हियर यू मस्ट नो द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड एरिया। इन दिस चैप्टर यू हैव टू यूज ओनली टू फार्मूलाज। यहाँ पर आपको सिर्फ दो फार्मूला यूज़ करने हैं। एक फार्मूला होता है सर्कल का जो कि होता है 2 पाई आर, ओके, और एक फॉर्मूला होता है एरिया का दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। एंड नाउ अ वेरी बिग कन्फ्यूजन इज देयर। मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट्स जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो सारे फॉर्मूले उलट पुलट कर देते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? बिकॉज आपने फॉर्मूलों को ढंग से नहीं समझा है। देखिए, पैरीमीटर जो होती है वो सिर्फ एक लेंथ होती है, और एरिया जो होता है वो एक पूरे सरफेस का मेजरमेंट होता है जो किसी शेप से बाउंडेड होता है। तो एरिया को हम मेजरमेंट हमेशा जब मेजरमेंट निकालते हैं तो हम लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, इस तरह से। तो यहाँ पर जो आर स्क्वायर आ रहा है वो हमेशा एरिया के फॉर्मूले में ही अपीयर होगा, सी के फॉर्मूले में ओनली आर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। एक दूसरी और ट्रिक है इसको याद करने की, देखिए आप ये कह सकते हैं कि टू या तो यहाँ पे अपीयर होगा और या फिर यहाँ पे अपीयर होगा। अल्टीमेटली हमने पाई आर लिखा तो अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम टू को यहाँ पे लिखें या फिर हम टू को यहाँ पे लिखें, ठीक है। तो या तो टू यहाँ अपीयर होगा या फिर आर के एक्सपोनेंट पे अपीयर होगा। अगर आप टू को पाई के पहले लिखते हैं, ठीक है, जैसा कि इसमें है, तो ये सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होगा, और अगर आप टू को यहाँ मेंशन करते हैं तो एरिया का फॉर्मूला होगा। बी केयरफुल, मैंने बहुत बार फेस किया है, स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, उनको लगता है कि उनका आंसर सही है बट वो सारा क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ओके, ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी है और रेडियस गिवन है। तो एज यू नो दैट फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर, ओके। फॉर एग्जाम्पल, इन द क्वेश्चन ए द सर्कमफ्रेंस इज 12 सेंटीमीटर, सो सी विल बी 2 पाई एंड आर दैट इज 12, और जो फाइनली जो हमारा आंसर होगा वो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है। तो इसको कैलकुलेट करने पे आपको आंसर मिल जाएगा, यू विल गेट द राइट आंसर। द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू यूज द प्रॉपर फॉर्मूला, ओके। इन द नेक्स्ट स्लाइड अनदर क्वेश्चन इज फॉर यू। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज, ओके, आई विल सॉल्व पार्ट ए फॉर यू, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू विल सॉल्व। सो हियर द डायमीटर इज गिवन। फर्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड द एरिया, सो राइट द फॉर्मूला ऑफ एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर। नाउ हियर यू कैन सी वी हैव आर दैट इज अ वेरिएबल, बिकॉज पाई तो यहाँ पे कांस्टेंट है, टू भी यहाँ पे कांस्टेंट है, आपको आर पता होना चाहिए। तो आर कैसे पता करेंगे? आर जो होगा वो डी अपॉन टू से पता होगा, और डी के वैल्यू 22 अपॉन टू, इट मीन्स डी इज़ 14, ओके। सो ओके, नाउ यूज़ द फॉर्मूला इन प्रॉपर वे। वी हैव फाउंड दैट आर इज़ 14 सेंटीमीटर, सो एरिया इज़ पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स
r into r. Now you can cut 14 by 7, that is 2. Ultimately you can multiply 22 by 2, 44 into 14, and by multiplying these values you will get the answer. ओके okay. एक बात याद रखिए, जो आंसर आएगा वो ऑलवेज सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा. ठीक है ओके स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट स्लाइड देर आर सैम्पल क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस. अगर आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है, इस वीडियो को आपने अच्छे से सुना है, ठीक है, आप रिपीट कर सकते हैं, बार बार पॉज करके इस वीडियो को देख सकते हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं सर्कल से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊँगा. Till then, best of luck. Thank you.